हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा अमेज के बारे में, देखेंगे इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में, फ्यूल इफिशिएंसी और क्या क्या फीचर इसके अंदर मिलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बात करें इसके इंजन ऑप्शंस की तो इसमें दो इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन और डीजल 1.5 लीटर इंजन। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर देखने को आपको मिल रही होंगी। इसमें व्हील बेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है 2470 nm का। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर की, तो सेफ्टी फीचर में इसमें फ्रंट ड्यूअल एयरबैग, फ्रंट सीट प्रिटेंशनर एंड लोड लिमिटर, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर, रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूअल हॉर्न और इसके साथ साथ ही इसमें आपको इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक भी देखने को मिलता है। ऑल न्यू होंडा अमेज, तो इसमें क्या क्या फीचर देखने को हमें मिलते हैं तो वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। तो अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें मिलती है क्रोम ग्रिल जो इसके बेस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है, उसके साथ साथ ही हमें इसमें हेलोजन लैंप देखने को मिलते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे इसमें आपको फॉग लैंप देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले इसके टायर देखते हैं। तो टायर साइज़ है इसका 175/65 R14, 14 इंच के आपको टायर देखने को मिलते हैं और साथ ही फुल व्हील कवर आपको देखने को मिलेंगे। और ये है इसका कुछ साइड प्रोफाइल, आपको ORVM में साइड इंडिकेटर इसमें माउंट मिलेंगे और इसमें बॉडी कलर डी आपको क्रोम हैंडल देखने को मिलेंगे। अब इस पर रियर में आ जाते हैं तो रियर में देखेंगे तो इसमें पीछे बैजिंग देख रखी है, ये इसका वेरिएंट है SIVTEC, मतलब ये पेट्रोल में है, एस वेरिएंट है जो इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और ये इसका कुछ ऐसा साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। होंडा ने इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं और अब इसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करके पुराने वाली इसे काफ़ी अपडेट किया है। इसे बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। बूट स्पेस अगर इसके लोडिंग लिप की बात करें तो लोडिंग लिप थोड़ी गहरी है इसकी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस इसमें अवेलेबल है। आपको रियर टेल लैंप आपको नॉर्मल हेलोजन देखने को मिलेंगे, इसमें LED आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके फ्रंट डोर की और इंटीरियर की। अब अगर देखें इसका इंटीरियर तो इसमें आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने को मिलेगा जो कि आपको ग्रे और बेज कलर का देखने को मिलेगा। इसमें आपको इनसाइड डोर हैंडल आपको सिल्वर इनसाइड उसमें देखने को मिलेगा और ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि ड्राइवर साइड की विंडो पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको इसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM और ये उसके कंट्रोल्स हैं ORVM के, और इसके साथ साथ ही आपको इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ORVM भी इसमें देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें तो ये चारों पावर विंडो इसमें देखने को मिलती हैं और साथ में 1 लीटर वाटर बॉटल होल्डर और साइड में पॉकेट भी है। अब इसमें नीचे म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 फ्रंट स्पीकर और 2 रियर स्पीकर दे के रखे हैं। अब देखते हैं इसकी सीट, ये ऐसा इसका कुछ इंटीरियर है। तो अगर बात करें स्टेयरिंग की तो स्टेयरिंग पे इस पर ये ऐसा इसका स्टेयरिंग है, इस पर आपको वॉल्यूम के बटन, नेक्स्ट और लास्ट कॉल उठाने के और काटने के दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेफ्ट साइड में आपको वो वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और राइट साइड में आपको लाइट के, और यहाँ आपको लाइट का लेवल एडजस्टर स्विच आपको दे के रखा है। अगर म्यूज़िक सिस्टम की इसमें बात करें सेंटर कंसोल की, तो इसमें आपको 2 DIN म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा और साथ ही मैनुअल AC भी। अगर नीचे बात करें इसकी तो नीचे इसमें आपको पावर आउटलेट 12 वोल्ट का देखने को मिलेगा और साथ में एक USB पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है लेकिन ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आती है, तो अभी वो यहाँ अवेलेबल है नहीं। अगर इसकी बात करें ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इन्होंने अवेलेबल करा के रखा है। अगर बात करें AC वेंट की तो इसमें क्रोम इंसर्ट आपको दे के रखा है जो इसे बहुत बेहतरीन लुक देता है। नीचे साथ में इसमें आपको एक डेड पेडल भी देखने को मिलता है, जिसे कि आपके लॉन्ग ड्राइव पे आपके पैरों को काफ़ी आराम रहेगा। इसमें
फ्रंट में आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता। अगर बात करें स्टोरेज की तो आगे देखें तो आपको दो ग्लास होल्डर अवेलेबल रहेंगे और कॉइन रखने के लिए थोड़ी सी जगह आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ आपको पार्किंग लाइट जलाने के लिए स्विच मिलेगा और यहाँ इसके ये कुछ कंट्रोल्स दे के रखे हैं। अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो इसमें आपको MID भी देखने को मिलेगी और साथ साथ दो एनालॉग मीटर भी देखने को मिलेंगे। अब मैं इसकी रियर सीट पे आके बैठा हूँ तो रियर सीट पे अगर इसका स्पेस देखूँ तो स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। मैंने फ्रंट सीट को काफ़ी ज़्यादा पीछे करके रखा है तो उसके बाद भी लगभग 3 या 4 इंच का स्पेस मेरे पैरों से, मतलब मेरे नी से और सीट के बीच में है, तो जो काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है। और इसी के साथ साथ आपको इसमें सेंटर में एस वेरिएंट में आपको सेंटर में आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा रियर सीट पे, और इसमें साथ साथ ही दो ग्लास होल्डर भी। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अगर रियर विंडो की बात करें तो इसमें पावर विंडो के आपको कंट्रोल देखने को मिलेंगे और नीचे आपको रियर स्पीकर और साथ ही 1 लीटर वाटर बॉटल होल्डर्स विद मैप पॉकेट। वाटर बॉटल होल्डर आपको चारों डोर्स में देखने को मिलेंगे जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। अगर बात करें रियर सीट की तो अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और अगर 3 बंदे बैठते हैं तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो ऐसा है इसका कुछ डैशबोर्ड। अब बात करते हैं इसके पावर फिगर की। तो पेट्रोल में आपको पावर मिलेगी 90 PS की और टॉर्क मिलेगा 110 Nm। वहीं डीजल में मिलेगा पावर 100 PS और टॉर्क मिलेगा 200 Nm। अब बात करते हैं इसकी फ्यूल इफिशियंस की। तो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है 18.6 KMPL, ऑटोमेटिक में मिलती है 18.3, वहीं डीजल मैनुअल में मिलती है आपको 24.7 और डीजल ऑटोमेटिक में मिलती है 21 KMPL। इसके साथ साथ ही होंडा ने कुछ बेनिफिट्स और डिस्काउंट भी इसके साथ चलाए हुए हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है या होंडा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लेनी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से कॉल करके कोई भी डिटेल या अपनी क्वेरी वहां से क्लियर कर सकते हो, या फिर नई गाड़ी परचेज के लिए भी आप वहां कॉल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।